हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि आपके पास बहुत सारे वेसल्स हैं अलग अलग शेप के, जैसे ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, लो इसके सामने एक और वेसल है, छोटा सा एक और वेसल है, सबके अंदर लिक्विड की हाइट मैंने कितनी रखी, एच 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 एच, कोई कंटेनर ऐसे नहीं, ऐसे भी ले लो, हाइट एच, बड़ा कंटेनर हाइट एच, छोटा कंटेनर हाइट एच, नीचे प्रेशर मेजर करने की मशीन लगा दी, प्रेशर अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से सेम आएगा सब में, लगता नहीं है, लगता है इसमें तो बहुत पानी भर दिया जिसमें वेसल बड़ा है, और ये ट्यूब की तो क्या मुकाबले इसके साथ, इसमें इतना पानी, इसमें इतना कम पानी, इसका वेट तो ज्यादा ही होगा इससे, तो इसका प्रेशर तो ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, वेट को एरिया से डिवाइड किया जाता है एंड में, चलो जी एरिया किया था आज हमने, तो एंड में प्रेशर का डिफरेंस, आज हमने क्वेश्चन किए, जब मैंने वेसल लिया मैंने आपको दो पॉइंट दिए पीबी और पीए, तो आपने मेरे से पूछा सर वेसल की शेप कैसी है, नहीं पूछा, आपने क्या पूछा सिर्फ हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट जी एच बस, रो जी एच बस, तो शेप मैटर नहीं करती, पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका रीजन थोड़े दिनों में समझ में आएगा क्यों नहीं मैटर करती, ये इतना छोटा आंसर नहीं कि मैं एक सेकंड में बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर शेप में ना मुझे आपको पढ़ाने आगे कि ना कुछ फोर्सेस लगती हैं, जिस कंटेनर की शेप ऐसी है उनमें फोर्सेज ऐसे लगती हैं, कुछ ऐसे लगती हैं, लेकिन इतनी समझ में आएगा नहीं, बट अभी आप ये समझ लो कि अगर आपने एच हाइट का लिक्विड देख लिया तो प्रेशर बॉटम पे सेम रहेगा, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, अजीबोगरीब जो है ये देना शुरू कर देगा, पाइप देगा, तो शेप सबकी डिफरेंट है लेकिन हाइट सबकी क्या देगा लिक्विड में, सेम देगा, ऊपर क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूछेगा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट पे प्रेशर बोलो कितना है, बिल्कुल सेम होगा, कितना होगा पी ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक पॉइंट ये ले लो एक ये ले लो, तो पी ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एच रो जी, पी ए इसको ऐसे बना लेना, यहां पे जो भी प्रेशर है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो क्या होगा पी एटमॉस्फेरिक, तो ये ए पॉइंट है, तो पी ए माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना एच रो जी, तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, सिमिलरली बी की स्टोरी भी सेम है, सी की भी सेम है और डी की सेम है, इसमें शेप मैटर नहीं करती, क्लियर है यहां तक, तो ये आंसर मार्क करना है आपने, इवन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो देखो पाइप टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, जाने दो, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स को डिस्कस नहीं कर रहे, आप वर्टिकल अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बोला था मैंने, ग्रेविटी में हाइट क्या ली जाती है ओनली वर्टिकल वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में अगर हाइट का डिफरेंस एच है, चाहे पाइप जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी घूम के जाए तो प्रेशर डिफरेंस एक्स पॉइंट पर सेम रहेगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, इसमें भी कोई फर्क नहीं रहेगा, इवन अगर आप कंटेनर ओपन ले लें ऐसा एक्स वाई जेड तीन पॉइंट्स लें सेम हाइट पे लें तो एक्स वाई जेड पे प्रेशर की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम ही आएगी क्योंकि एच की वैल्यू लिक्विड की वजह से यहां पर एग्जैक्टली सेम है, ठीक ये याद रखना।